सभी दर्शकों को टोरादून पे नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं सेनिवास गांव में। ये तहसील शिवानी पड़ती है और डिस्ट्रिक्ट भिवानी में आता है। और यहाँ पर खाज खुजली किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो उसका झाड़ा लगता है और ना यहाँ पैसा लिया जाता है। और 90% भक्तों से हमारी बात भी हुई है, काफ़ी आराम होता है। आज हमारा तीसरा चक्कर। देखिए, हमारे साथ एक बहन जुड़ी है, इनसे भी यहाँ की जानकारी लेते हैं। गुड़िया, क्या नाम? ममता। कहाँ से हो? नोरबादरा। तो आपके क्या दिक्कत है? मेरी एलर्जी है। एलर्जी है? और ये झाड़ा कौन सा है? आज दूसरा लगेगा। आज दूसरा लगेगा? हाँ। पहले मर में कितना फर्क है झाड़े में? भाई 25% आराम है अभी तो। 25% है, आज ये दूसरा झाड़ा है। हाँ। तो आपके साथ कौन है? मेरे पापा हैं। कहाँ हैं? पापा अभी इधर गए हुए। चलो, तो बेटी पापा दोनों हूँ। हाँ। ठीक है। देखिए, इस बहन ने बताया है इनके एलर्जी है और ये दूसरा झाड़ा है, इनका 25% आराम है। इसी तरह जुड़ी रहिए टोरादून के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम भीम सिंह शोराना, चिड़ौद गांव से हूँ मैं। हिसार के पास पड़ता है। ठीक है, आपकी क्या दिक्कत है जी? मेरे कमर में दिक्कत थी, साइटिका बहुत दर्द करती थी, फेफड़ों में मतलब घर घर की आवाज़ रहती थी, दवाई बहुत ली थी, नाक की हड्डी डॉक्टर सप्रा हॉस्पिटल में दिखाई थी, बड़ी बताई थी। अच्छा जी। मैंने एक झाड़ा लगवाया, मेरा कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर मैं सोचा 5-7 दिन का टाइम है, तू ऑपरेशन करवा ले, हड्डी बड्डी हुई है, डॉक्टर ने बताया था। मैं गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा जी आपकी कोई हड्डी बड्डी नहीं है, वो स्प्रे पंप दे दिया और गोली दे दी, बोला तू ठीक है, ठीक हो जाए। तो मैं ठीक हूँ, मेरी हड्डी दोबारा पता नहीं कैसे खत्म हो गई अपने आप। और अब फेफड़ों में फ़र्क है? फेफड़ों में फ़र्क है। हाँ, दोबारा आया हूँ। अच्छा, कोई खाने पानी में कोई दिक्कत ना? अपना खाने पीने में कोई दिक्कत भाई, बिल्कुल हेल्थी है। बाकी सच्चाई बोल रहे हो या झूठ? बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जो आदमी हूँ, 33 साल नौकरी करिए, झूठ क्यों बोलूँ? मैंने के स्वाद आवाज झूठ बोलने में है। देखिए, इन श्रीमान जीओ ने अपने दर्द गणाए हैं और बिल्कुल 100 की 100 सत्य है। यहाँ जो झाड़ा लगता है वो पंच तत्वों के नाम से लगता है। इसी तरह जुड़े रहिए टोरादून के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अरे, क्या नाम है? सुनीता देवी जी। कहाँ से हो? फतेहवाज के साथ सुनियाना जी। आपकी क्या दिक्कत थी जी? मेरे यहाँ से लेकर नीचे तक दर्द हो रही, मैं कोई बोझ नहीं उठा सकती थी जी। अच्छा। मैंने एक झाड़ा लगवाया जी, मैं बोझ उठा के मतलब सही चल सकती हूँ। आज ये दूसरा झाड़ा है? हाँ जी, दूसरा झाड़ा है। तो आप किसके साथ आए हो जी? मैं दूसरी बार मेरे लड़के को लेके आई हूँ जी। अच्छा, उसके भी दिक्कत है कोई? हाँ जी, उसके दिक्कत है जी, दिमाग में जी। दिमाग में दिक्कत है जी। कितने साल का हो? वो 16 साल का जी। अच्छा, आपके पूर्ण आराम है? हाँ जी, बिल्कुल आराम है जी, मेरे को अब दर्द नहीं है जी। ठीक, आप सच्चाई बोल रहे हो या? नहीं जी, नहीं जी, कैमरे की क्या जी, हमने आराम है जी। इतनी दूर से आए हैं जी, छोटे छोटे बच्चा छोड़ गए हैं जी, दो गुड़िया मेरी उन नगर छोड़ गई हूँ जी। देखिए, कहा है कि 100 की 100 सत्य है, कोई झूठ नहीं। लड़का जी मेरा 16 साल का जी, बोल नहीं सकता। ठीक है, धन्यवाद। और भी आप? अभी भी क्या नाम आपका? इंदु। कहाँ से हो? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़, राजस्थान से। हाँ जी। आपकी क्या दिक्कत है? दिक्कत तो सर है जो मैं बता नहीं सकती, पर 50% फर्क है उसमें। फर्क है? हाँ जी। आपके ये कौन सा झाड़ा है? दूसरा। आप किसके साथ आए हो? मैं तो मेरी सिस्टर के साथ ही आई हूँ। अच्छा, तो इनके भी कोई दिक्कत है? मेरी कमर मर गोड्डे में दर्द रहा है। कमर? मैं खिलाड़ी हूँ, मेरे कमर मर गोड्डे में दर्द रहा है। मैं मतलब ग्राउंड पे बाज गुन सकूँ, इस खातर मैं झाड़ा गलवाना है। किस चीज़ की खिलाड़ी हो? फुटबॉल। फुटबॉल की? नेशनल खेले हैं। तो आप पहला झाड़ा है या दूसरा? ना, मेरा लास्ट झाड़ा है यू। तीसरा? हाँ। तो आपके पूर्ण आराम है? हाँ, पूरा आराम है। सच्चाई बोल रहे हो? सच्चाई बोल रहा हूँ। ऐसी क्या जादू की छड़ी है? हाँ। वो तो बेरा को नहीं, पर वो इतना बेरा है कि आड़ा के मेरे गोड्डे में मेरी कमर में दर्द सही हो गया। मैं वापस जाऊंगी, 21 साल ने मेरी टिकट है, ग्राउंड पर स्टार्ट कर दिया मैंने खेलना वापस। तो पूरी फिट हो? हाँ, पूरी फिट हूँ मैं। देखिए, ये जो झाड़ा है मेरी बहन, वो पंच तत्वों के नाम से है। इसी तरह जुड़े रहिए टोरादून के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, दूर दूर तक जिसके भी प्रॉब्लम हो, किसे कष्ट हो, तो जरूर आओ। किसे भाई का रोग कटे या किसी बेबे का। तो बहन जी, आपका ने बता के दूसरा झाड़ा आपके? हाँ जी। तो तीसरा भी लगवाइए। हाँ, और आपको बता दूं, ये जो झाड़ा है ये पंच तत्वों के नाम से, झाड़े के कुछ पैसे वैसे लेते हैं आपसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं लेते। कुछ नहीं लेते? कुछ नहीं लेते, बस 5-10-20 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं। चलो, वो है, और कुछ की तो नहीं, कोई बात नहीं, लेते कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है बिल्कुल। देखिए भाई, बहन ने बता, यहाँ बिल्कुल सच्चाई है और पंच तत्वों के नाम से। फिर बताता हूँ कि झाड़ा लगता है, पूर्ण 100 का 100 आराम होता है। धन्यवाद।
हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? पवन नाम है जी मेरा। कहाँ से हो? मैं उकलाना मंडी के पास गाँव भेरियकपुर से जी। अच्छा, क्या दिक्कत है आपके? मेरे पेट की दिक्कत थी जी। अच्छा। डाइजेशन सिस्टम काफ़ी वीक अच्छा। था जी, करीब 14-15 साल से दिक्कत है जी। अच्छा। और लगातार मैं इसी लाइन से हूँ, मेडिकल लाइन से हूँ जी। अच्छा। मैं और लगभग मैं और छोटा भाई इसी लाइन से हैं, मैंने एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा जी। अच्छा। और जितनी भी थी लगभग सारी मेडिसिन मैंने यूज भी करके देखी है। अच्छा। और मैं ये बताना चाहता हूँ जी, मैं ओनली मेडिसिन मेडिसिन को ही मानता था। अच्छा। घर के भी कह देते थे भाई साहब थोड़ा धोख लगाया न्यू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं इन चीज़ों पर विश्वास बहुत ही कम करे करता जी, लेकिन घर का कहने पर जी मैं यहाँ पर आया जी, और मेरे को जी काफ़ी सुधार लग रहा है जी। 50% ये कौन सा झाड़ा आपके? मेरा तो सेकंड झाड़ा लग रहा है जी। सेकंड झाड़ा? हाँ जी। तो आपके तो डॉक्टर हो पूर्ण आराम? हाँ है बिल्कुल। 50% जी मैंने जी लगभग करीब 7-8 लाख रुपए की दवाई खा चुके हूँ जी। 7-8 लाख की? हाँ जी बिल्कुल। देखिए भाई, भाई ने बताया 7-8 लाख की दवाई। दूसरी बार आए हो, किराया कितना लगा हुआ? किराया तो कुछ नहीं जी, के 500-700 रुपए लगे जी। और आपने 5-7 लाख रुपए लगा दिए? बिल्कुल लगा दिए थे जी। आज तक आपके मान लिया आने जाने में 500-400 में आपको आराम हो रहा है? बिल्कुल जी, फुल आराम हो रहा है जी। और मेरे साथ में जी काफ़ी आए थे जी, उनको भी काफ़ी आराम हुआ है जी। मेरे एक लड़का है जी, 3-1 साल लगा जी। अच्छा। उसको भी पेट की दिक्कत थी जी। अच्छा। तो मैं पूछ रहा था डॉक्टर को ये क्या है, वो IBS कह देते थे, बोले IBS है, ये हो जाती है बोले। तो पेटी को खाने में पीने में चलने में कोई दिक्कत? वो बिल्कुल नॉर्मल है जी। देखिए भाई सोहन ने बताया, ये खुद डॉक्टर हैं और 5-7 लाख इनने खराब भी कर लिए, झाड़े से आराम होता। यहाँ 100 की 100 बात सत्य है। इसी तरह जुड़े रहिए टोरादून के साथ। बहुत बहुत थैंक यू जी। जय क्या नाम है जी अपना? जी मेरा नाम कोमल नाम है। कहाँ से आए हो? जी मैं देहरादून से आई हूँ। देहरादून UP? हाँ। आज पहली बार आई हो या दूसरी? नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ। तो मतलब दिक्कत क्या है आपको? जी मुझे पथरी है। पथरी गुर्दे वाली? नहीं हरने, वो जो जो पीती थैली में जो वाली। हाँ जी, हाँ जी। तो आज मतलब कितना आराम लग गया? आप दूसरा झाड़ा भी लगा नहीं भी होगा आपके? नहीं अभी झाड़ा लगा नहीं, पर मुझे एक बार फर्स्ट टाइम से ही आराम लगा था। मतलब कितना पहले दर्द होता था? जैसे पथरी में हमेशा दर्द ही होता है, क्योंकि दर्द भी ऐसा होता है इसमें, तो भाई आदमी पलट पलट के साइड हो जाता है बिल्कुल। पर अब तो जिस दिन से मैंने झाड़ा लगवाया ना, मुझे महसूस ही नहीं है कुछ भी, मतलब दर्द का। दर्द के मैं कोई महसूस नहीं है? नहीं। मतलब के मानो इस चीज को आप, कितना आराम है, और मतलब किस तरह की आगे लोगों से अपील करो? देखो जब मुझे आराम लगा तो मैं इतनी दूर से तभी आई हूँ यहाँ। बिल्कुल, देहरादून यहाँ से कम 500 किलोमीटर तो नॉर्मल। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं तभी यहाँ आई हूँ। 12-15 घंटे आने में लगते हैं। ट्रेन बाय ट्रेन आते हो? हाँ जी, हाँ जी। पर जब मुझे आराम लगा तो मैं आई हूँ, मैं वेट कर रही हूँ अभी भी। उससे पहले आपने मतलब किस तरह की दवाइयाँ खाई, जैसे मेडिसिन के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से क्या लिया आपने, और कितना आराम हुआ कि नहीं हुआ? कितना आपका खर्चा लगा लगभग? खर्चा तो लगता ही है आपको डॉक्टर का, नॉर्मल चले जाओ। पर ये ऑपरेशन भी करो तो कम से कम 30-35 हज़ार रुपये एकदम बता देते हैं डॉक्टर। एक अल्ट्रासाउंड भी करवाओ तो नॉर्मल 800 रुपये, 900 रुपये तो वही है। पर मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, झाड़ा वगैरह, और बहुत पब्लिक आती है। और बस सबसे बड़ी बात तो श्रद्धा की होती है, अगर आपको श्रद्धा है तो सब कुछ है। हिसार से आओगे तो भाई 50 किलोमीटर दूर है राजगढ़ रोड पे, शिवानी से निकलते ही। तो भाई इससे राज या कैसका राजगढ़ साइड से आओगे तो जुप्पा है भाई, जुप्पा से 5 किलोमीटर पे पड़ता है भाई, ऑन रोड हाईवे के ऊपर ही है लगभग। थोड़ा हाईवे पे उतर के आपने सिर्फ 2 या 1.5 किलोमीटर ही अंदर की तरफ आना पड़ता है सैनीवास भाई, तो आप भी पहुँचो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए भगत जी, इस तरह सभी श्रद्धालुओं पे झाड़ा लगाते हैं। अगर पैर में दिक्कत है तो पैरों में भी लगाते हैं। कोई भी A to Z शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी होती, यहाँ 100 का 100 आराम होता है। हमने ये श्रद्धालुओं से खुद पूछा है, खुद DNA। देखिए हमारे साथ सत्यनारायण जी भगत जुड़े हैं, नाम भी सत्य और काम भी सत्य। नारायण जी एक बात और सुनिए, आप पशुओं पर लगा देते हो? हाँ, पशुओं पर लगाते हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस, कोई भी हो, चाहे बकरी हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, उसको सबको झाड़ा लगाते हैं। अच्छा, भगत जी हमने एक व्यक्ति बाहर मिला है जो खुद डॉक्टर है, क्योंकि मैंने भी 7-8 लाख रुपये खराब कर लिए, मैं ठीक नहीं हुआ, यहाँ ठीक है। ऐसी क्या जादू की छड़ी ले रहे हो? ये जी जादू की छड़ी क्या है, ये तो भगवान की कृपा होगी, भगवान ने हाथ में जस दे दिया जी। एक ये जो जिस पे हाथ से जाएगा ना, वो हाथ से ही ठीक हो रहा है जी। मैं खेत में जाके झाड़ा लगाता हूँ वो भी ठीक होते हैं, और इधर लगाता हूँ वो भी ठीक होते हैं।
तो ये गुरु जी का आशीर्वाद है आपके? हाँ जी, गुरु जी का तो आशीर्वाद है जी। मैं जैसे अम्बाला जी का भक्त हूँ जी, तो पड़ता है अगर ऑनलाइन सिस्टम कर देंगे तो जी गरीब आदमी वो पैसे कहाँ से भरेगा जी, वो तो फिर पैसे वाली दुकान हो जाएगी। मैं टोकन इसीलिए बांटता हूँ किसी आदमी के पैसा नहीं लग जाए, तो गरीब आदमी दो दिन तीन दिन रह के झाड़ा लगवा लेते हैं, संतुष्टि होनी चाहिए। दोस्तों ये हमने आपको यात्रा कराई श्रीनिवास धाम की। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ टोरा टीवी के साथ ऋषि पाल दूँ। जय हिंद।